हेलो मेरे प्यारे व्यूअर्स, आज हम बनाएंगे बैलून जैसे फूले फूले इंस्टेंट भटूरे, वो भी सिर्फ 15 मिनट में। गारंटी है कि एक भी भटूरा पिचकेगा नहीं, बल्कि सारे के सारे भटूरे बनेंगे फूले फूले और जबरदस्त क्रिस्पी। तो वीडियो को पूरा देखिएगा, लाइक और शेयर कीजिएगा, साथ ही चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन प्रेस कर दें ताकि मेरे हर वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिले। इंस्टेंट भटूरे बनाने के लिए हमें चाहिए होगा मैदा। तो यहाँ पे मैंने 2 कटोरी मैदा लिया है। आप कोई भी कटोरी या कप मेजरमेंट के लिए रख लें और सारी चीजें उसी से मेजर करें। तो अब हम इसको एक बड़े बाउल में निकाल लेंगे। मैदे की क्वांटिटी आप अपनी जरूरत के हिसाब से कम ज्यादा कर सकते हैं। 2 कटोरी मैदे में मैं डाल रही हूँ 6 टेबलस्पून सूजी। टेबलस्पून का मतलब है ये नॉर्मल स्पून जो हम खाना खाने के लिए घर पे यूज करते हैं। और अब इन दोनों ही चीजों को हम मिक्स कर देंगे। सूजी बेसिकली हमारे भटूरों में एक क्रिस्पी पन लाएगी, इस वजह से सूजी मिक्स करते हैं। ये नॉर्मल सूजी है। सूजी आप कोई भी ले सकते हैं, बारीक वाली भी या फिर नॉर्मल वाली भी, कोई भी फर्क नहीं पड़ेगा उससे। अब हम इसमें डालेंगे 1/2 छोटा चम्मच चीनी, 1/4 छोटा चम्मच खाने वाला सोडा जिसे हम मीठा सोडा भी कहते हैं। इसे बहुत ज्यादा मत यूज करिएगा, सिर्फ 1/4 छोटा चम्मच बहुत है। सोडा बेसिकली इसे फुलाने का और इसमें फटाफट से खमीर उठाने का काम करेगा। सारी ये चीजें मिक्स करने के बाद अब हम इसमें डालेंगे दही। मैंने यहाँ पे 6 चम्मच दही डाला है। सूजी या दही थोड़ा बहुत अगर ऊपर नीचे भी हो जाए तो कोई परेशानी वाली बात नहीं है। और अब हम इसको अच्छे से मिक्स करेंगे इन सभी चीजों को। 2 टेबलस्पून दही में इसमें और डाल रही हूँ क्योंकि मुझे कम लग रहा था। तो ये देखिए, दही ने पूरा आटा जो है वो अच्छे से मिला दिया हुआ है, यानी कि एक जगह इकट्ठा कर दिया हुआ है। अब हम इसको हाथों की मदद से अच्छे से गूंदेंगे। हमें इस आटे को बहुत ढीला नहीं बनाना है क्योंकि मैं बहुत ही इजी तरीके से आपको आज भटूरे बताने वाली हूँ जिसे कोई भी बना लेगा। जनरली भटूरे के आटे जो है वो काफी हद तक ढीले गूंदे जाते हैं, जिसकी वजह से कई लोगों को परेशानी होती है ढीले आटे को हैंडल करने में। तो नॉर्मल जैसे आप रोटी का आटा गूंदते हैं ना, वैसे ही आपको इस आटे को गूंदना है। इस भटूरे के आटे को गूंदने के लिए आपको पानी की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है, सिर्फ दही में ही हमें इस आटे को गूंद के तैयार करना है। तो ये देखिए, हमारा सारा आटा जो है वो एक जगह इकट्ठा हो चुका है। अब हम इसमें डालेंगे 1 टेबलस्पून रिफाइंड ऑयल। अब हम इसी में इसको गूंदेंगे। ऑयल यहाँ पे इसलिए डाला है ताकि हमारा आटा जो है वो अच्छे से चिकना तैयार हो, एकदम स्मूथ। इस भटूरे के आटे में हमने सूजी डाली है जो कि भटूरों को क्रिस्पी बनाने में मदद करेगी। सेकंड, हमने इस आटे को सिर्फ और सिर्फ दही से गूंदा है, जिसकी वजह से क्या होगा कि हमारे भटूरे क्रिस्पी होने के साथ साथ काफी सॉफ्ट भी बनेंगे। बस अब हम इसको अच्छे से गूंदेंगे जब तक कि ये बिल्कुल चिकना ना हो जाए, स्मूथ ना हो जाए। वीडियो पसंद आ रहा हो तो लाइक जरूर कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन प्रेस कर दें ताकि मेरे हर वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिले। तो अब आप देख सकते हो आटा अच्छे से गूंद के तैयार है। ये ना ही बहुत ज्यादा ढीला है और ना ही बहुत टाइट। जैसे हम नॉर्मल घर पे रोटी बनाने का आटा गूंदते हैं, सेम वैसे ही हमें गूंदना है। और अब हम इसे ढक के 15 मिनट के लिए रेस्ट पे रख देंगे ताकि हमारा आटा अच्छे से सेट हो जाए। 15 मिनट हो चुके हैं हमारे आटे को रेस्ट करते हुए। अब हम चेक करते हैं। ये देखिए, हमारा आटा अच्छे से फूल चुका है और सेट भी हो चुका है। अब हम इसको हाथ से हल्का सा मत लेंगे इस तरीके से। ये देखिए, बिल्कुल सॉफ्ट और चिकना आटा है, ना ही ढीला है और ना ही टाइट। तो बस आटा हमारा हो चुका है तैयार। अब हम फटाफट से अपने भटूरे बेलते हैं। उसके लिए हम लेंगे एक चकला और अब हम लेंगे अपने भटूरे के आटे का पोर्शन और उसको हम अच्छे से स्मूथ करते हुए पेड़ा बना लेंगे। तो ये देखिए, पेड़ा हमारा तैयार है। अब हम चकले पे थोड़ा सा सूखा मैदा डस्ट करेंगे और उसके बाद इस पे पेड़ा रख के हम इसे बेलेंगे। भटूरों को आप गोल या ओवल कोई भी शेप दे सकते हैं। मैं ओवल शेप दे रही हूँ क्योंकि ओवल शेप थोड़ा सा इंटरेस्टिंग लगता है देखने में। भटूरे बेलते वक्त ये ध्यान रखिएगा कि इसके साइड्स को बहुत पतला करने की कोशिश मत करिएगा, वरना क्या होगा, जब हम इसे गरम गरम ऑयल में डालेंगे तो ये साइड से फट जाएंगे और फिर आपके भटूरे फूले हुए नहीं बनेंगे। तो हमें बीच में बेसिकली इसको बेलन को चलाना है इस तरीके से। ये देखिए, साइड्स हमें ना ही बहुत पतले रखने हैं और ना ही बहुत मोटे। तो ये लीजिए, हमारा भटूरा बनके तैयार है। और ये देखिए, मैंने इसके साइड्स को बहुत पतला जो है नहीं किया हुआ है। मैं पास से दिखाती हूँ। ये देखिए, मैंने इसको थिक ही रखा है ताकि जब हम इसे गरम गरम तेल में डालें तो ये बिल्कुल भी फटे नहीं। तो भटूरा बेल चुका है, अब हम चलते हैं इसको
तलने की तरफ। अब हम कढ़ाई में लेंगे ऑयल और उसे अच्छे से गर्म होने देंगे। ऑयल आपका अच्छे से गर्म हो चुका है, इसे चेक करने के लिए आप थोड़ा सा आटे का इस तरीके से टुकड़ा डालिएगा और आप देख रहे हो आटा डालते ही इसमें बबल्स आए और ये ऊपर की तरफ आ गया। इट मीन्स हमारा ऑयल जो है वो बहुत ही अच्छे से गर्म हो चुका है, बिल्कुल परफेक्ट है। अब हम लेंगे अपना भटूरा जो हमने बेला था और इसे हम कढ़ाई में करेंगे ड्रॉप इस तरीके से और हल्के हाथों से हम इसे प्रेस करेंगे ऊपर से इस तरीके से। और अब इसके ऊपर हम डालेंगे ऑयल इस तरीके से। ये देखिए आ रहा है ना, बिल्कुल परफेक्टली फूल के, कितने अच्छे से हमारा भटूरा फूला। अब हम इसे पलट देंगे और दूसरे साइड से भी इसको हम तलेंगे, ऊपर से थोड़ा सा ऑयल डालते जाएंगे ताकि ये सारी तरफ से इक्वली क्रिस्पी भी हो जाए और इसमें अच्छा सा कलर भी आ जाए। बैक साइड से भी कितना अच्छा गोल्डन कलर आ गया इसमें। तो ये लीजिए हमारा बिल्कुल मार्केट स्टाइल फूला फूला क्रिस्पी भटूरा तैयार है। अब हम सेम तरीके से दूसरा भटूरा भी डालेंगे इसमें इस तरीके से और डालते ही हम करेंगे करछी से हल्का इसमें प्रेस इस तरीके से और इसके बाद हम ऊपर से डालेंगे इसमें ऑयल, पलट देंगे और ये देखिए परफेक्ट, कितना अच्छे तरीके से हमारा भटूरा फूला। ये देखिए दूसरा वाला भी और कलर भी कितना अच्छा आया है इसमें। बस अब हम निकाल लेंगे इसको फटाफट से। तो ये देखिए हमारा बैलून जैसा भटूरा जो है बिल्कुल फूल के तैयार है, लग रहा है ना बहुत ही यमी और कितना आसान था इसे बनाना। तो फटाफट से आज ही इस भटूरे को घर पे बनाइए और मुझे कमेंट में बताइएगा कि ये इंस्टेंट भटूरे की रेसिपी आपको कैसी लगी। और इस फूले फूले भटूरे के लिए वीडियो को बहुत सारे लाइक दीजिएगा और इन भटूरों के साथ खाए जाने वाले छोले की रेसिपी का लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है, आप मेरे चैनल पे देख सकते हैं।